कोरोना के बीते 2 सालों में संपूर्ण मानव प्रजाति को शुद्ध ऑक्सीजन और निसर्ग का महत्व समझा दिया है। अब लोग भीड़ भाड़ से दूर और शुद्ध निसर्ग में रहना पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से फार्म हाउस की मांग भी बढ़ी है। फार्म हाउस के साथ अगर रिसोर्ट और वाटर पार्क भी मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। ऐसे ही नागपुर शहर से महज 48 किलोमीटर दूर पेड़ पौधों से हरे भरे सुंदर निसर्गमय वातावरण में सावनेर तहसील के नजदीक केलवद में स्प्रिंग वैली रिसोर्ट स्थापित है, जिसमें रिसोर्ट के साथ साथ आप वाटर पार्क का भी लुफ्त उठा सकते हैं। आइए इस खूबसूरत रिसोर्ट के बारे में जानते हैं मारुति नंदन डेवलपर्स और स्प्रिंग वैली के संचालक दिनेश भारती सर से विशेष चर्चा में। नमस्कार, मैं दिनेश भारती। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है 100 एकड़ का, ये फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है। हमारी कोशिश रही क्या नेचर को वहाँ पे बेहतर तरीके से डेवलप करना वहाँ पे, और हमने लोगों को काफी बेहतरीन तरीके से वहाँ पे प्लॉट देके फार्म हाउस के प्रोजेक्ट में वहाँ पे हमने उनको फार्म हाउस बना के दिया। तो नागपुर से लोग आते हैं वहाँ पे और नेचर देखते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में वहाँ पे प्लॉट बुक करके वो अब फार्म हाउस वहाँ पे हम बना के देते हैं उनको। तो ये हमारा हो गया फार्म हाउस का प्रोजेक्ट। ये टोटली हमारा 100 एकड़ का फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है, और उसी में स्प्रिंग वैली नेचर पार्क घाटी के किनारे पे ये हमने डेवलप किया हुआ है। तो नागपुर से काफी गेस्ट वहां पे आते हैं नेचर का आनंद लेने के लिए। वहां पे काफी अच्छी नाइट स्टे की सुविधा की हुई है बिल्कुल घाटी के किनारे पे। तो वहां पे हम नाइट स्टे लोगों को कराते हैं, डे पिकनिक कराते हैं, तो ये सब सुविधा स्प्रिंग वैली नेचर पार्क में है। तो हम जैसा डे पिकनिक होती है, तो डे पिकनिक में हम लोगों को वहाँ पे 750 रुपये पर हेड लेते हैं, और उसमें पूरा दिन भर का मनोरंजन उनको देते हैं। जैसे सवेरे 10 बजे आते हैं तो उनको हम ब्रेकफास्ट देते हैं, उसके बाद में वाटर पार्क देते हैं, दोपहर में लंच देते हैं, उसके बाद में फिर एडवेंचर पार्क देते हैं उनको, उसके बाद में फिर हाइटी लेके चेकआउट करते हैं। तो दिन भर का काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा हुआ है जो नागपुर से गेस्ट लोग आते हैं और बाकी भी जगह से आते हैं। तो एक बहुत ही घाटी के किनारे पे अद्भुत उनको आनंद मिलता है। तो वहाँ पे अभी हमारे पास 40 एकड़ का लेक है, तो वहाँ पे अभी बोटिंग चालू करने वाले हैं, और लेक के किनारे में काफ़ी सारी सुविधा लेके आने वाले हैं। लोग सिटी से वहाँ पे आए तो लेक के किनारे, घाटी के किनारे, और वो नेचर के गोद में वहाँ पे आके फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा आनंद उठा सकते, ऐसी पूरी सुविधा हम नेचर में डेवलप करने जा रहे हैं। और अभी काफी सारी सुविधा घाटी के किनारे पे हमने डेवलप की हुई है, जो लोग आके वहाँ पे नाइट स्टे का बहुत ही अच्छा आनंद लेते हैं फैमिली के साथ आके, और बहुत अच्छा अनुभव रहा उन लोगों का, बहुत ही प्यारा लगता है। और हमारा फूड क्वालिटी से लेके इंजॉयमेंट से लेके, और आउटर गेम है वहाँ पे, कराओके म्यूजिक है वहाँ पे, हमारे एंकर होते हैं, तो काफी लोगों को इंटरटेन करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब गेस्ट लोग आते हैं, तो बहुत ही अच्छा नेचर का आनंद, और वहाँ पे जो भी फनी गेम्स खिलाते हैं तो उसका एक मजा लेके लोग नागपुर जाते हैं। जो भी लोग नागपुर में आते हैं तो उनको हमने 0 माइल से ये 48 किलोमीटर पे अपना प्रोजेक्ट आता है। और अपन अभी सिटी में देख रहे हैं तो धीरे धीरे जो पेड़ है पूरे कटते जा रहे हैं और कॉन्क्रीट का जंगल पूरा बनते जा रहे, तो उसको ख्याल में रखते हुए हम पूरा जंगल की ओर घाटी की तरफ हम लोगों को लेके आ रहे हैं। और सिटी के जो भी लोग हैं और बाहर से आने वाले लोग हैं नागपुर में, तो उनके लिए भी ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नागपुर के पास 48 किलोमीटर के दायरे में हमने घाटी के किनारे में इतनी सुंदर व्यवस्था की हुई है उनके मनोरंजन के लिए। वहां पे आने के बाद उनको पूरा नेचर का अद्भुत आनंद उनको लेने को मिलेगा, और घाटी के किनारे पे पूरी रहने की व्यवस्था है। तो एक मेरा खुद का मैं एक अनुभव बताता हूँ, जो मैं खुद वहां पे मैं पहले नाइट स्टे किया हुआ है, मैं जब भी जाता हूँ तो वहां पे रुकता हूँ मैं, तो वो जो मैंने फील वहां पे किया हुआ है तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आनंद वहां पे मिलता है। सवेरे सवेरे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो मोरों की आवाज, एनिमल्स, ये सब चीजें देखने को मिलते हैं, तो काफी परिवार के लोग उसमें बहुत खुश होते हैं और बहुत ही अच्छा फील करते हैं स्प्रिंग वैली में आने के बाद। और हमारे पास ठंड काले में हमने वहां पे टेंट की व्यवस्था की हुई है। अभी नागपुर से लोग नेचर के तरफ आते हैं स्प्रिंग वैली प्रोजेक्ट में, तो हम चाहते हैं कि उनको एसी से दूर
और कूलर से दूर और नेचुरल ऑक्सीजन हम वहां पे देते हैं और पूरी टेंट की व्यवस्था की हुई है, उनको टेंट में रुकाते हैं और पूरा वहां पे रात भर उनको हम पूरा शुद्ध ऑक्सीजन घाटी के किनारे पे टेंट लगा के हम उनको शुद्ध ऑक्सीजन का वहां पे एहसास कराते हैं और बहुत ही अच्छा लोग सवेरे उठने के बाद बहुत ही अच्छा फील करते हैं। फिर वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं लेक के तरफ, हमारे हमारे लड़के होते हैं ट्रेनर होते हैं उनको पूरा लेक के तरफ पूरा ट्रैकिंग करके एनिमल दिखाते हुए वापस लाते हैं और वहां का जो सवेरे का जो शुद्ध ऑक्सीजन है उसका बहुत ही अद्भुत आनंद वो लोग उठाते हैं और सवेरे ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करते हैं। वाटर पार्क जो है तो हमने वाटर पार्क को इतना अच्छा मेंटेन रखा हुआ है, बहुत सारे वाटर पार्क देखे हमने, 6-6 महीना पानी चेंज नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रॉपरली हम 20 से 25 दिन में हम पानी चेंज करते हैं और प्रॉपर उसको क्लीनिंग का काम ये रोज हमारे यहाँ पे चलता है। तो गेस्ट लोगों को हमारे यहाँ का जो पूल एरिया है जो वाटर पार्क है काफी अच्छा उनको साफ सुथरा और उसमें काफी अच्छा आनंद उठाते हैं। वाटर पार्क 0 माइल से 48 किलोमीटर का दायरा आता है, यानी 48 किलोमीटर के दूरी पे ये अपना प्रोजेक्ट है नागपुर से। तो ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि आज सभी के पास व्हीकल है, यानी किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, तो हार्डली अपने को 45 मिनट का रोड है जो आसानी से वहां पे आ सकते हैं। और जैसे भी वहां पे अपने प्रोजेक्ट के पास आते हैं तो वहां पे 1 किलोमीटर पहले घाटी रोड चालू होता है, तो घाटी रोड से इतना प्यारा आनंद आता है कि लगता है कि अपन एक पचमढ़ी खिंडसी चिकलधरा खेकड़ा नाला एक ऐसी फील वहां पे उनको मिलती है। तो शुरुआत ही इतनी बेहतर है कि आप काफी लोग आने के बाद वहां पे बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो हमारा पूरा सोशल मीडिया पे पूरी यार्ड चलती है और उसके बाद में गूगल पे ये सब दिया हुआ है, तो गूगल के माध्यम से यानी गूगल पे स्प्रिंग वैली को सर्च करके वहां से ऑफिस के नंबर दिए है तो वो वहां से नंबर निकाल के कॉल कर सकते हैं ऑफिस में और कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं स्प्रिंग वैली की तरफ से सभी राम भक्तों को मैं रामनवमी की शुभकामना देना चाहता हूँ। जय श्री राम।